हे फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक कॉलेज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की बुक क्लास 8 की। और कोशिश होगी कि जितने शॉर्ट टर्म में और जितना ज़्यादा आपको नॉलेज दे सकूं बेटर रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं फ्रेंड्स इसमें आपको लाइन वाइज लाइन नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सिर्फ वही पॉइंट्स बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपको जानना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका टाइम बचे। और जब आप इस लेक्चर को देखने के बाद दोबारा से जब आप एक बार गो थ्रू करें अपने चैप्टर को, तो आपको वो सारा पता हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज, ठीक है। तो व्हाट इज़ अ रिसोर्स? तो रिसोर्स इज एनीथिंग विच हैज़ अ यूटिलिटी, है ना। अब आप बोलोगे यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी हो, जो हमारे किसी काम आ सके, है ना। ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारे काम आ सके उसको हम रिसोर्स कह सकते हैं। जैसे कि आप, आपकी टेक्स्ट बुक है, आपका पेन है, आपका मोबाइल है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी, आपका इंटरनेट है, ये सब के सब क्या है, हमारे एक तरीके से रिसोर्स हैं जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस समय आपकी पढ़ाई नीड है, तो ये सब कंपोनेंट्स आपकी पढ़ाई को सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीड की सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपके लिए एक टाइप का रिसोर्स है। अब हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है, वर्थ। वैल्यू मतलब क्या होता है? वर्थ होता, इकोनॉमिक टर्म में बोलें तो उसकी क्या पैसा है, क्या वैल्यू है। हम नॉर्मली भी आए दिन बोलते हैं कितने का है ना, वो चीज़ लिटरली वैल्यू क्या है उसकी। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू हो, कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सोना चांदी खूब इकोनॉमिक वैल्यू, और ऐसे मल्टीपल रिसोर्सेज है जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू है। कुछ एक ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी वैल्यू कम होती है, बट वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पे जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स दिखता है हमें, तो उससे हम सेटिस्फाई होते हैं, है ना। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जाएँ, ठंडी हवा चल रही हो गर्मी के दिन में, तो हमें बड़े सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो एक तरीके से ये रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, है ना। आप कहीं घूमने गए, ठंडी हवा चल रही है बाहर, तो उसके कोई पैसा थोड़ी ले रहा है आपसे। या कहीं ब्यूटीफुल सीनरी आपने देखी, तो उसका कोई पैसा थोड़ी ले रहा है आपसे, बट आपको वो है। फ्रेंड सॉरी अगर कुछ पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बैकग्राउंड में हो सकता है कुछ नॉइज़ आ रही हो बच्चों के खेलने की बाहर, आई एम रियली सॉरी। तो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू एंड सम डोंट हैव। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कोई भी रिसोर्स जो है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है ना, टू कन्वर्ट समथिंग इनटू अ रिसोर्स। कैसे? जैसे कि टाइम की बात कर लेते हैं पहले, है ना। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद आप डेडिकेटली टाइम दे रहे हो इस चीज़ के लिए, है ना। तो ये टाइम जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये धीरे धीरे एक रिसोर्स में आप कन्वर्ट हो जाओगे। दुनिया के लिए आप एक रिसोर्स बन जाओगे। कल का हो सकता है आप कहीं IAS बनो, कहीं IPS बनो, या कोई और SSC पास करके कुछ बनो, या फिर टीचर बनो, कुछ भी हो सकता है आप बनो, तो आप एक रिसोर्स बन जाओगे सोसाइटी के लिए। तो आपने क्या किया, टाइम को इन्वेस्ट किया। वैसे ही टेक्नोलॉजी को आप कैसे कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है टू कन्वर्ट अ सब्सटेंस इनटू रिसोर्स। फॉर एग्जांपल, टेक्नोलॉजी मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी मतलब कि जो भी हम साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू जो हम पाते हैं, उन चीज़ों को थ्रू हम टेक्नोलॉजी का डिस्कवरी करते हैं। फॉर एग्जांपल, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, IT है, ये सब टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है। तो इन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम फर्दर डेवलपमेंट करते हैं, एक सोर्स को दूसरे सोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लेते हैं हम, कि आप देखिए पानी को किस तरीके से हम पानी, बहते पानी को
पहले सिविल का यूज़ करते हैं हम, डैम बनाते हैं, डैम बनाने के बाद बहते पानी से हम फिर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी के कितने यूजेस हैं आप जानते ही हो। हमने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पानी से बिजली बनाई, तो ये भी एक, इसलिए कहते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज। अच्छा, जो हम इंसान हैं, पीपल खुद एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, क्यों? क्योंकि उसके पास आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज है, नॉलेज के वजह से वो इन्वेंशन करता है, डिस्कवरीज करता है, इसलिए वो खुद भी एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। तो ये जानते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में फ्रेंड्स, एक्चुअली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्स खुद भी हैं। अब एक एक करके जानते हैं ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज को पहले हम मैन मेड रिसोर्सेज भी कहते थे, बट अब जेंडर स्पेसिफिक हटाने की वजह से ह्यूमन मेड रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। आइए बात करते हैं नेचुरल रिसोर्स की। तो रिसोर्सेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ये यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए, ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचर से डायरेक्ट ले रहे हो और उनको विदाउट मॉडिफिकेशन यूज कर रहे हो, वो नेचुरल रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे एयर जो हम सांस लेते हैं, वाटर जो हम पी रहे हैं, है ना, ऐसे ही सॉइल को हम है, मिनरल्स हैं, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, है ना, और ये फ्री हैं, हमारे नेचर ने हमें गिफ्ट कर रखा है एक तरीके से फ्री। हम सांस ले रहे हैं, इसका पैसा थोड़ी किसी को देते हैं। पानी पी रहे हैं, ठीक है, बिल आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उस कंपैरिजन में तो बहुत ही कम है। आप नदी में जाके पानी पी लो, गांव में लोग नदी से पीते हैं, हैंडपंप से पीते हैं, तो उसका कोई पानी का पैसा थोड़ी दे रहा है कहीं भी, है ना। तो ये सब, या मिट्टी कहीं से आप उठा लाओ, कोई पैसा थोड़ी दे रहा है, देना है आपको। तो ये सारे, या नदियों में रेत होता है, वहाँ से आप लेके आ जाओ थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि पूरा भर के ट्रक ले आओ, थोड़ा सा रेत ले आओ अपने यूज़ के लिए, तो कोई आपसे चार्ज नहीं करेगा, है ना। तो ये सब फ्री ऑफ गिफ्ट ऑफ नेचर है, और इनको हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, बट डायरेक्टली तो कर ही सकते हैं इनका यूज़। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं फ्रेंड? रिन्यूएबल रिसोर्सेज हम कहते हैं दोज रिसोर्सेज विच कैन रिप्लेनिश क्विकली। इसका क्या मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जो ना जल्दी जल्दी बन सके, है ना, उसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। अब ऐसे कौन से हैं? अब ऐसे है आपका, अब देखिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सूरज रोज निकलता है, कई सालों तक निकलेगा, अब कई जनरेशन से निकलता आया, आगे भी कई जनरेशन तक निकलता रहेगा। तो सोलर एनर्जी एक तरीके से रिन्यूएबल है, अनलिमिटेड है। विंड एनर्जी, विंड कभी भी ख़त्म नहीं होगी, हवा थोड़ी ख़त्म हो जाएगी कभी भी, कई जनरेशन से चलती है, आगे भी चलती रहेंगी। तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जीज के एग्जांपल हैं। वैसे तो वाटर, सॉइल और फॉरेस्ट भी रिन्यूएबल में कंसिडर करता है, बट जैसे कि आप देखते हो कि वाटर का और फॉरेस्ट का हमने ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इसको यूसेज हमने करना चालू कर दिया, अंधाधुंध का यूज़ करना चालू कर दिया, तो एक शॉर्टेज आना शुरू हो गई है। आए दिन हम देखते हैं पानी की प्रॉब्लम को, फॉरेस्ट की तो प्रॉब्लम सीवियर होती ही जा रही है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं ये लेक्चर सिर्फ उन बच्चों को कंसिडर करके पढ़ा रहा हूँ जो कि मेरे हिसाब से बड़े बच्चे हैं और जो किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, तो उनको कई चीज़ें पता हो पहले से, है ना। जैसे मैं अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बोल रहा था, तो उनको पता हो, ये नहीं कि उनको पता ही नहीं हो छोटे बच्चों को, जैसे क्लास एट के हैं। वैसे तो आजकल क्लास एट के बच्चे भी जानते हैं, बट स्टिल, ठीक है। तो हाँ, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज पे आते हैं हम। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं फ्रेंड्स जो विच टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। ये यहाँ डेफिनेशन में दे रखा है। अब ऐसे कौन से हैं भाई कि जिनको थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाता है फिर से रिन्यू होने में, एक बार ख़त्म हो तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगेगा? तो वो है कोल, पेट्रोलियम ना, नेचुरल गैस। अब आप जानते हो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस कैसे बना था? कोल तो बने थे भाई कि पेड़ जब पृथ्वी के नीचे कई सालों तक दबे रहे, प्रेशर में रहा, तब जाके कोल बना। वैसे पेट्रोलियम भी कई सालों तक माइक्रो इंसेक्ट्स वगैरह पानी में दब के प्रेशराइज होके
प्रोसेस से बने, नेचुरल गैस भी उसी तरीके से बनी है ना। तो कई हजारों साल लग गए इनको बनने में, और हमें देखो फटाफट यूज़ ख़त्म कर रहे हैं इनको, तो ये एक पॉइंट पे जाके ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए आजकल बोलते हैं कि अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए हम अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, डिपेंडेंसी हटा रहे हैं, कॉस्टली भी बहुत है। अच्छा, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या हर जगह एक जैसे रहते हैं? नहीं, कहीं हर जगह पेट्रोल नहीं मिलता, जैसे सऊदी अरबिया वगैरह में पेट्रोल मिलता है, इंडिया में पेट्रोल नहीं है, चाइना में पेट्रोल नहीं है, एशिया में बहुत कम जगह पेट्रोल है ना। तो क्या कारण है? आप सऊदी अरबिया में उतना डेजर्ट एरिया, तो वहाँ खाना वाना नहीं मिलता है ना। तो ये डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज कैसे, टेरेन पे, क्लाइमेट पे, ऑल्टीट्यूड पे, इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कौन सा रिसोर्स कहाँ होगा। जैसे हमारे यहाँ आम वगैरह लगते हैं, हमारे यहाँ चावल वगैरह के खेत हैं, गेहूँ के खेत होते हैं, ऐसे सऊदी अरबिया में नहीं होते इतना ज़्यादा। थोड़ा बहुत अब उन्होंने आर्टिफिशियली करना शुरू किया, बट उतना नहीं होता। बाकी कंट्रीज़ में भी नहीं होते, कुछ कंट्रीज़ हिली एरियाज़ हैं, जैसे चाइना है, मैक्सिमम एरिया उसका हिली है। हालांकि वो जितना भी है उसका अच्छा यूटिलाइजेशन करता है टेक्नोलॉजी की वजह से, और मैक्सिमम में वो नंबर वन ही है प्रोडक्शन में। खैर कोई बात नहीं, इंडिया भी पीछे नहीं है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स दैट डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अर्थ में हर जगह एक जैसा वेदर नहीं है, क्लाइमेट नहीं है, टेरेन नहीं है, इसलिए हर जगह अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल रिसोर्स की बात हो गई। अब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो कि ह्यूमंस ने एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में चेंज किया है। ठीक है, हमने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को जब हमने चेंज कर दिया है नेचुरल रिसोर्सेज को ही, वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं लोहा के यूज़ कर रहे हैं, तो लोहा लोहा नेचुरल रिसोर्स तो है, बट वो नेचर में डायरेक्ट लोहे के फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो ओर के फॉर्म में होता है, मिट्टी के फॉर्म में होता है। फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है मेल्ट वेल्ट करके, बहुत हाई टेम्परेचर पे उसको दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स करके उसको पिघलाया जाता है। ये लंबा प्रोसेस होता है। ऐसे ही डिफरेंट मेटल्स हैं, कॉपर है, एलुमिनियम है ना, ये सब हम देख तो रहे हैं कि हाँ हमारे पास है, बट उनको प्रोसेस किया गया है। प्रोसेस करने के बाद उनको यूज़ किया, कन्वर्ट किया किया दूसरे फॉर्म में। हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, मशीनरीज बना रहे हैं, गाड़ियाँ बना रहे हैं, ये सब क्या है, हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जिनको हमने कन्वर्ट किया है। और ये सब कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। अब टेक्नोलॉजी चाहिए तो टेक्नोलॉजी कौन करेगा, कौन बनाएगा? वही लोग बना सकते हैं जो पढ़े लिखे हों, जिनको चीज़ों का करने का ज्ञान हो, है ना। तो इसके लिए हमें अच्छे पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो पढ़े लिखे लोग चाहिए मतलब ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ह्यूमन अपने आप में रिसोर्स, अभी हमने पढ़ा था, है ना, क्योंकि उनके पास आइडियाज़ होते हैं, नॉलेज होता है, इससे वह इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज करते हैं, है कि नहीं। जैसे किसी ने टेलीफोन बनाया था, किसी ने बल्ब बनाया था, किसने बिजली बनाई, किसने इंटरनेट बनाया, किसने कंप्यूटर बनाया, किसने लैपटॉप बनाया, तो इसी से तो आज हम यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों का, है कि नहीं। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, पीपल, ऐसे लोग जो बेस्ट यूज़ करते हैं नेचर का टू क्रिएट रिसोर्सेज, है ना, उनकी स्किल होती है, वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब कैसे डेवलप किया जा सकता है ह्यूमन को रिसोर्सेज को, ऑब्वियसली एजुकेशन के थ्रू। हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ह्यूमन रिसोर्स पावर अच्छा होगा। जैसे 90s के ज़माने में कंप्यूटर्स जब इंडिया में आया था, तो उस समय कंप्यूटर्स को लेकर के शुरुआत हुई पढ़ाई की, तो वो धीरे धीरे इतना इंडिया में आईटी इंडस्ट्री का एक्सपोजर हुआ कि आज के डेट में हम आईटी सुपर पावर कहलाते हैं, है ना। मैक्सिमम लोगों ने आईटी को अडॉप्ट कर लिया, आईटी फील्ड में चले गए, अपनी स्किल्स को बहुत शार्प किया, तो आज मेजर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में इंडिया का काफ़ी नाम है ना। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर से जानना था। और एक ये छोटा सा लास्ट में कंजर्विंग रिसोर्सेज है, इसमें यही बोला जा रहा है कि वी शुड
यूज़ आवर रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू गेट रिन्यूड, है ना। हमें उनको एक तो रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ये नहीं कि पानी बह रहा है तो बहता रहे, बिजली जल रही है तो जलती रहे, कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। या पेपर का फालतू वेस्टेज नहीं करना चाहिए हमें। ये कुछ एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो हुआ कि बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। हमें क्या करना चाहिए, एक बैलेंस बना के चलना चाहिए कि क्या हमारी नीड है, क्या हमारा यूसेज है रिसोर्सेज का, और उसको किस तरीके से हम फ्यूचर के लिए बचा सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो देयर आर वेरी, और थोड़ी सी बात इसमें बताई हुई है कि देयर आर मेनी वेज टू कंजर्व रिसोर्सेज। वी कैन कंजर्व रिसोर्सेज बाय रिड्यूसिंग कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग देम। और हम सबकी लाइफ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर मैं एक्सेस किसी चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ तो वो कहीं ना कहीं किसी और के लिए कम हो जाती है, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं पानी बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ यहाँ, और कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, तो बर्बादी हो गई ना। मैं एक बाल्टी से नहा सकता हूँ तो मैं 5 बाल्टी से क्यों नहाऊँ, है ना। तो हम सबको ये चीज़ समझनी चाहिए और रिसोर्सेज को बचाना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स को। तो ये था फ्रेंड्स चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का, क्लास 8 का। होप आपको सब समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ मेरे से पूछें, वैसे कुछ खास था नहीं। और एक मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट लेसन।